students, welcome to another very important and exciting segment of data science, that is cloud computing. on module 19 onward, some cover so that you have objective basic understanding developed, how cloud computing and data science they are related. cloud is not really a cloud in its uh, true sense. लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जैसे इसकी बेसिक आइडिया इसके पीछे की जैसे क्लाउड आपने देखा है कि वही क्लाउड है थोड़ी देर अगर आप देखें इट कैन मेक डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स और uh, कभी बारिश होती है कभी धूप निकलती है कभी बादल इधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज़ है जिसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मीन समिच इज़ नॉट रियल बट इट इज़ देयर तो वर्चुअल का अगर आप थोड़ी सी आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग एट सम एक्सपोजर टू क्लाउड कंप्यूटिंग एज ऑफ टूडे लेकिन आई विल अर्ज के आई विल रिक्वेस्ट यू सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा इसको स्टडी करें क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर है बाकी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी एज इट इज़ बट क्लाउड इज समथिंग वेयर द होल वर्ल्ड इज मूविंग वो कैसे ये मैं भी आपसे शेयर करता हूँ अच्छा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना इट इज़ तकरीबन पंद्रह साल से ये मार्केट में है आई अटेंडेड माई फर्स्ट क्लाउड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अबाउट मैंने तकरीबन 2010 में फर्स्ट टाइम अटेंड की थी एक इंटरनेशनल क्लाउड पे कॉन्फ्रेंस थी और काफ़ी साल तक मैं उसको रेगुलरली करता रहा टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये एक बड़ी मेजर शिफ्ट थी क्योंकि अगर आप देखें ना तो बहुत सारी कंपनियां आज से पहले जब हमने वो जो कंप्यूटर की जनरेशन की हम बात कर रहे थे ना आपके जो मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वो सारा आते आते आप अब आगे जो नेक्स्ट जो कंप्यूटिंग है ना दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। कि हर चीज़ जो आपने डेटा सेंटर की टर्म सुनी होगी हमने थोड़ा बहुत उसको टच भी किया था डेटा सेंटर इज समथिंग जहाँ पे कंपनियाँ अपने कंप्यूटर रखती हैं अपने सर्वर रखती हैं फिजिकली अब ये हो रहा है कि लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं दे आर स्पेशलाइज कंपनी इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे हैं दिस इज ट्रू हिस्टोरिकली दिस इज ट्रू कि आज से सौ साल पहले जब बिजली इलेक्ट्रिसिटी ये इन्वेंट हुई तो लो, लोग अपनी जो है ना बिजली पैदा करते थे क्योंकि इसका कोई मैकेनिज्म नहीं था फिर किसी ने सोचा कि यार ये एक मोहल्ले या एक शहर को या एक गांव को बिजली देनी है तो दस लोगों ने अपने अपने लगाया क्यों ना हम एक कर लें तो उससे वो जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है बिजली घर का या पावर उसका वो शुरू हुआ पावर हाउस का एग्जैक्टली सो दिस इज़ वेयर यूअर कंप्यूटिंग इज़ गोइंग ऑल्सो कि अब आप देखें कि फ़र्ज करो आप एग्जाम्पल ले लें कि अब आप जो ई मेल यूज़ करते हैं बहुत सारे जो है न जैसे गूगल का है याहू का है और माइक्रोसॉफ्ट का है देर सो मैनी फ्री ई मेल अकाउंट्स अब ना आपने उसके अंदर कोई कंप्यूटर लिया कुछ नहीं किया आप इंटरनेट पर जाते हैं एंड यू गो टू देर इंटरनेट जो भी वेबसाइट है और जाके आप अपना वो क्रिएट करते हैं एंड देन यू हैव योर ई मेल एड्रेस राइट और ये जितनी ई मेल अकाउंट्स हैं जितने ये सोशल मीडिया की डिफरेंट कंपनीज हैं एवरी थिंग इज़ वर्चुअली ऑन क्लाउड जो अब देखें ना आप फेसबुक यूज़ करते हैं ट्विटर यूज़ करते हैं या और जो इंस्टाग्राम लिंकड इन वट एवर तो वो आपका तो कुछ नहीं है उसमें माँ यू जस्ट हैव योर मोबाइल फ़ोन राइट तो बाकी अब वो कहाँ पे सारा डाटा स्टोर हो रहा है वो सारा डाटा जो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है फिज़िकली ये डेटा सेंटर है दुनिया में बट दे आर नॉट यूअर्स कोई और उनको मैनेज करता है कोई और उनको मेनटेन करता है तो इसलिए वो इट इज़ कॉल्ड क्लाउड और उस में से मैं जो लेना चाहूँ जितना लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ ये एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट है अब जो वो कंपनियाँ जो आपको ऑफर करती हैं उसमें जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर वो डाटा स्टोरेज देते हैं आपको कि आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं अब देखें जब आप ई में आपका डाटा के खास हद तक बढ़ता है ना तो फिर आपको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आप जी हमारा फलाना वो पैकेज है वो ले लें वो पाँच डॉलर का या दस डॉलर का उससे पहले आप फ्री यूज़ करते हैं राइट फिर आप उसको स्टोरेज फिर कंप्यूट कंप्यूट का मतलब कि उसकी पावर जो सीपीयू की पावर है राइट फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपकी रैम कितनी है अब आप, आपके मोबाइल में भी आता है ना जी थर्टी टू जी रैम है सिक्सटी फोर जी रैम है और ये बेसिकली आपकी वो जो इट इज़ पार्ट ऑफ़ योर प्रोसेसिंग और कम्प्यूटर कैपेसिटी क्योंकि जो आपका सीपीयू है जो के उसको लॉजिक को कंट्रोल करता है प्लस रैम ये दोनों मिल के आपके जो कंप्यूटर की जो पावर है उसको डिटरमिन करते हैं उसको वो आपको इनेबल करते हैं कि आप कितना मुश्किल या कितना लेंथी या कितना ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकते हैं तो एज़ ए डाटा साइंटिस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो डाटा आपने एनालाइज़ करना है यूज़ करना है इट यू हैव टू हैव प्रॉपर रिसोर्स कम्प्यूट भी स्टोरेज भी और ये सारा कुछ अब क्लाउड पे अवेलेबल है सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग फिर अब वो ऑफकोर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए ही आपको दैट एनी वेज इज़ रिक्वायर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो चीज़ें होती हैं एक है आपकी जो अपलिंक जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं दूसरा होता है डाउन लिंक के अगर आपने कोई डाटा वगैरह डाउनलोड करना है इंटरनेट से तो प्रॉपर वो जो भी आप के पैकेजेस होते हैं दे शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट अब क्लाउड की देर मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाउड्स अगेन इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड अब क्लाउड के जो फीचर्स हैं जो हमने बात की कि वो आप उसको ऑन डिमांड एज यू गो जैसे कहते हैं पे एज यू गो अब जितना मोबाइल यूज़ करते हैं उतना आपको बिल पड़ता है या उतना आप टॉपअप कर लेते हैं यही कॉन्सेप्ट है इसमें भी कम अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर तो आप वो अपना भी डाटा सेंटर के अपना क्लाउड भी लगा सकते हैं और आप डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस है प्रोडक्शन है मैनुफेक्चरिंग है सेल्स है, है उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से कंप्यूट की कैपेसिटी दे सकते हैं अगर आप एक प्राइवेट क्लाउड है लाइक गूगल क्लाउड ए डब्ल्यू एस कुछ और जो बड़े बड़े क्लाउड्स हैं दुनिया में इनको भी हम आने वाले जो हमारे कुछ और मॉड्यूल्स हैं ये जो सेगमेंट्स हैं इसके इसी सेगमेंट में हम उनको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जो डिफरेंट क्लाउड के जो प्रोवाइडर है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स वो कौन हैं उनके क्या बेस्ट फीचर्स हैं एंड थिंग्स लाइक दिस अब इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो ऑफर करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये सबसे ज़्यादा जो है यही है क्योंकि अगर हम ये जो ई मेल यूज़ करते हैं ना अगर मैं इंडिविजुअली यूज़ करूँ तो मुझे फ्री है लेकिन मैं अपनी कंपनी की ईमेल भी गूगल से ले सकता हूँ या किसी और सर्विस प्रोवाइडर से ले सकता हूँ तो ये उसके लिए मुझे कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है सिंपली वो मुझे एक uh, कुछ स्पेस एलोकेट कर देंगे और वहाँ पे जाके हम अपने ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे या जो हमारी वेबसाइट है उसके साथ भी वो लिंक होते हैं तो दैट इज़ हाउ वी कैन क्रिएट ओवर ईमेल अकाउंट्स ये ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है इसमें फिर डेटाबेस भी हो सकता है आपका फाइनेशिंग फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और बेशुमार जो आपके सॉफ्टवेयर है वो आप इसमें आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये हम जब दूसरे ये डिस्कस करेंगे जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तो थोड़ा बहुत जो एप्लीकेशन है और डाटा बेस हैं उनको भी टच करेंगे तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फिर उसके अंदर डेटा एज ए सर्विस आ जाता है कि आप अपना एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको डेटा अपने पास स्टोर करने की जरूरत नहीं आप उसको होस्ट करें वहाँ पर उसके ऊपर अपना काम करें एंड दैट्स इट और जो भी जिसको आपने को उसके रिजल्ट प्रोवाइड करने हैं वो आप कर दें फिर इसके अंदर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है आप कहते हैं जी कि एप्लीकेशन मेरी होगी डेटा मेरा होगा लेकिन आप मुझे विंड ऑपरेटिंग सिस्टम और ये दो चार चीज़ें इंस्टॉल कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस तो फिर जो सबसे बड़ा इसका जो कंपोनेंट है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आप कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ कंप्यूटर दे दें दे, या वर्चुअल सर्वर दे दें दे, या फिज़िकल सर्वर दे दें अब उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरा होगा डाटा भी मेरा होगा और एप्लीकेशन भी मेरी होंगी और उसको मैनेज भी मैं करूँगा तो ये बेसिकली इसकी डिफरेंट सर्विस या फिर इसके अंदर फर्दर और जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ में जाते हैं ना फर्दर उसकी निटिग्रिटीज में जाते हैं तो उस सर्विस को मज़ीद स्पेसिफाई किया जा सकता है या मजीद ड्रिल डाउन करके आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस इवन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर अब एक वन ऑफ दी वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये अब उन्होंने उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 कर दिया है वो सारा क्लाउड पे अवेलेबल है आपको अपने पास इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ये जो हम एक्सेल या वर्ड यूज़ करते हैं या और कोई एक दो यूज़ के अंदर कंपोनेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर लाइसेंस अब वो सारा उन्होंने ऑफिस थ्री क्लाउड पर कर दिया एंड यू हैव नथिंग टू बॉदर अबाउट ये जो एक आप देख रहे हैं दिस इज़ एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ क्लाउड एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी अगर आप देखो तो कोर इज़ अ कम्प्यूटर या एक सर्वर या बहुत सारे सर्वर और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं ये, ये एक पूरा ना जो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम कहें तो ये एक पूरा एक्ोसस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हमने बैंक की बात की ना अगर आप ये ज्यूम करें तो बैंक का जो पूरा सिस्टम है वो एक क्लाउड के ऊपर है और है इस वक्त बहुत सारे बैंक हैं जो ऑलरेडी क्लाउड पर हैं बट दे आर ऑन देयर प्राइवेट क्लाउड नॉट ऑन पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड क्योंकि उनका डेटा सेंसिटिव है तो फिर उसको मोबाइल से भी एक्सेस करते हैं आप उसको इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस करते हैं मोबाइल फ़ोन से एक्सेस करते हैं यू नो देर वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसी डायग्राम को देखते हुए आप इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको इंटरनेट पे सर्च करें और फिर डू सम मोर रिसर्च एंड इट विल हेल्प यू टू डिवेलप योर कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जो क्लाउड है क्लाउड एंड डेटा साइंस थैंक यू